एशिया प्रशांत क्षेत्र के कारोबारी समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसेप के बाहर रहने के अपने फैसले पर अधिक रहकर भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वो अपने आर्थिक हितों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत आशियाना के 10 सदस्य देशों वाला आरसेप सबसे बड़ा कारोबारी समझौता है, लेकिन भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि इसमें चीन का दबदबा है और अपने विस्तारवादी रवैये के कारण वो इस क्षेत्र के लिए ही नहीं विश्व व्यवस्था के लिए भी खतरा बन गया है। उसके इसी रवैये को देखते हुए लोंगेवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि विस्तारवाद एक मानसिक विकृति है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। एक ऐसे समय जब चीन अपने विस्तारवादी प्रवृत्ति का परिचय हर क्षेत्र में दे रहा है, तो इसका अंदेशा है कि चीन भारत को अपने उत्पादों से पाट सकता है और दूसरे उसके साथ व्यापार घाटा अभी भी बहुत अधिक है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि आर्थिक व्यापारिक मामलों में चीन के मनमाने रवैये के कारण ही अमेरिका ने भी आरसेप से बाहर रहने का फैसला किया है। चूंकि आरसेप समझौता 2022 में प्रभावी होना है और भारत को ये सुविधा मिली है कि वो जब चाहे उसमें शामिल हो सकता है, इसमें उसके पास अभी अवसर है। लेकिन इस मौके को भुनाने का फैसला तभी किया जाना चाहिए कि जब घरेलू आर्थिक व्यापारिक हितों पर कोई विपरीत असर ना पड़े। भारत आरसेप और खासकर आशियाना समूह के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता को अपने हितों के अनुरूप आकार देने के लिए सक्रिय हो। यदि इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को सही स्वरूप दिया जा सके, तो ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि भारत को आरसेप में शामिल होने की जरूरत ही ना पड़े। जो भी हो, चीन जब तक अपने विस्तारवादी रवैये में बदलाव नहीं लाता, तब तक उसकी भागीदारी वाले संगठनों एवं समझौतों से भारत को दूरी बनाने पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम उन संगठनों समझौतों को लेकर तो सतर्क रहना ही चाहिए जिनमें चीन का दबदबा है। ये सही समय है जब भारत इसका आकलन करे कि ब्रिक्स और SCO जैसे संगठन उसके लिए कितने हितकारी हैं। ये भी समय की मांग है कि मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को और प्राथमिकता दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।